सबसे पहले पाचे डालने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया और ओपन टर्मिनल में थे, इस टर्मिनल को हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पहले कमांड लगाते हैं क्लियर, आगे सब कुछ हमें दिखे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या अपाचे इसमें डला हुआ है। पहले लिखेंगे ए पी ए सी एच ई टू, ये कह रहा है नॉट फाउंड, यानी कि अपाचे सर्वर इस कंप्यूटर में अभी बना हुआ नहीं है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस टर्मिनल पर एक कमांड लगानी है, वो कमांड है sudo, क्योंकि हम यूजर फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं इसलिए हमें sudo लगानी पड़ेगी। sudo apt hyphen get space install space जो प्रोग्राम हमने डालना है अपाचे टू, जैसे हम एंटर करेंगे तो ये हमसे हमारे इस पीसी जो यूज़र है हमारा इसका पासवर्ड मांगेगा। वो पासवर्ड जो भी आपने विंडो डालते सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम डालते समय डाला है वो डाल देना, तो ये यहाँ इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप यस करेंगे ये इंटरनेट इस समय चलना चाहिए, ये उस पैकेज को इंटरनेट से डाउनलोड कर देगा। जैसे ये पैकेज डाउनलोड हो जाता है उसके बाद पैकेज इंस्टॉल होने के बाद हम इसको टेस्टिंग करेंगे। जैसे पैकेज इंस्टॉल हो जाता है यस करने के बाद ये पैकेज डेस्कटॉप पर आकर रुक जाएगा। यहाँ पर रुकने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें पीसी का जो ब्राउजर है इस ब्राउजर को ओपन करना है। जो मोजिला इसमें बाय डिफॉल्ट डाला हुआ है मोजिला यहाँ खुल जाएगा और इस पर हमें लिखना है लोकल होस्ट, एंटर मारने पे या तो ये फेल आएगा या ये चल पड़ेगा। तो अगर ये स्क्रीन आ जाती है अपाचे टू डिफॉल्ट पेज तो इसका मतलब आपने सक्सेसफुली अपाचे सर्वर बना लिया है, अब इस कंप्यूटर में अपाचे सर्वर सक्सेसफुली बन चुका है, ये इसकी टेस्टिंग है। अभी अपाचे तो हमने बना लिया है, ब्राउजर में डाल के जब इसे लोकल होस्ट लिखेंगे तो अपाचे 2 का बाय डिफॉल्ट पेज अपने आप आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे देना चाहिए। तो अपाचे बनने के बाद अब हम इसे बंद कर देते हैं इस अपाचे स्क्रीन को, जो लोकल होस्ट के बाद हमने चेक किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमने मेन टास्क है इसका पीएचपी माई एडमिन, लैम्प सर्वर डाल के पीएचपी माई एडमिन जहाँ पे डेटाबेस डलेगा। तो यहाँ अभी देखते हैं कि क्या पीएचपी माई एडमिन इसमें चल रहा है, ऑफिशियली हमने जब डाला ही नहीं नया ऑपरेटिंग सिस्टम है तो नहीं चलेगा, तो नोट फॉर्म। अब हम इस पीएचपी माई एडमिन को भी चलाएंगे तभी तो हमारा सर्वर चलेगा जी। तो अब इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज। तो नेक्स्ट टास्क आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है, अपाचे तो डाल दिया हमने, नेक्स्ट टास्क क्या करना है वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, ये अपाचे डला था अभी बिल्कुल क्लियर स्क्रीन है। अब इस पे आपको स्क्रीन पे अब दिखाई देगा जो भी आपको नेक्स्ट टास्क करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो कल्सर है यूजर का वहाँ पे आ चुके हैं और नेक्स्ट अब हमें इसमें डालने जा रहे हैं। नेक्स्ट कमांड हमें पहले इस विंडो को अप टू डेट करना पड़ेगा अभी तक का, तो कमांड लगानी है नेक्स्ट आपको sudo apt hyphen get space update। जैसे आप लगाओगे तो जो पैकेज अपडेट के लिए अवेलेबल होंगे वो आपको दिखाई दे देंगे। अभी इस कंप्यूटर में 4 पैकेज की डिमांड है, तो नेक्स्ट कमांड जो लगेगी वो लगेगी जी sudo sudo space apt hyphen get
अपग्रेड। तो नेक्स्ट कमांड हमारी वो क्या है, sudo hyphen, ये हमारे पास बीच में GUI बेस भी आ रहा है, इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। यहाँ कमांड लगाते sudo apt-get स्पेस, पहले अपडेट था, अब कमांड का नाम है अपग्रेड। तो इसको एंटर मार देंगे। तो अब जितने पैकेज है वो उसके लिए पूछेगा, यस कर देना है। तो जो पैकेज भी पेंडिंग थे 3-4, वो सारे अपग्रेड होने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अप टू डेट कर लेना है। उसके बाद ही हम PHP माई एडमिन डालेंगे और लैम्प सर्वर डालेंगे। तो सारे पैकेज जो पेंडिंग थे वो अपडेट होने शुरू हो गए। इसको अपडेट करने के बाद जैसे आप कल्सर पे, यानी कि जो यूजर का है डॉलर का साइन, वहाँ आ जाएंगे तो आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है Ubuntu वो फुल एंड फाइनल अप टू डेट हो चुका होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो हम आपको क्लियर करके स्क्रीन बताएंगे। अभी तक हमारा सिस्टम अपग्रेड सीन पे। तो ये डेस्कटॉप डॉलर पे आ गया, एक बार क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, अपग्रेड हो गया। नेक्स्ट अब हम पे डॉलर पे काम नहीं करना, अब हमें रूट पे जाना पड़ेगा इस काम के लिए। तो नेक्स्ट जो कमांड है वो है sudo स्पेस su, एंटर करेंगे तो हम डॉलर के साइन से हैश के साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब हम अभी रूट यूजर पर आ गए। तो रूट यूजर पे एक्सेस जब आपका आ जाएगा, उसके बाद आपको कमांड लगानी है अब हम sudo नहीं लगाएंगे। sudo हम इसलिए लगाते हैं कि रूट को प्रेजेंट करने के लिए। अब हम खड़े रूट पर हैं तो सीधी कमांड लगाएंगे apt-get install lamp-server और ये वाला साइन 6 नंबर के ऊपर लगेगा और एंटर कर देंगे। ये लैम्प सर्वर इंस्टॉल होना शुरू हो, यस के लिए पूछेगा, इसको यस कर दीजिए। इस तरह से हम आप कंप्यूटर में आपको डालना पड़ेगा बच्चे के बाद लैम्प सर्वर। जैसे ही लैम्प सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा तो रूट साइन पे आपको लाकर छोड़ दिया जाएगा दोबारा से। जैसे हम रूट साइन पे आ जाएंगे तो आपको क्लियर करके दिखा देंगे, लैम्प सर्वर बन जाएगा। इसमें तब तक आपको वेट करना है जब तक रूट साइन पर आकर कंप्यूटर का कल्सर ना रुक जाए। जैसे पहले डॉलर साइन पर रुक रहा था, ऐसे रूट साइन पर आकर रुक जाएगा। अभी तक ये लैम्प सर्वर की इंस्टॉलेशन चल रही है। ये देखिए रूट साइन पर रुक गया, अब यहाँ पे कर देंगे जिसे क्लियर। क्लियर करने के बाद नेक्स्ट हमें इस पर डालना है PHP माइंड। तो अभी आपको क्या लिखना है दोबारा apt, क्योंकि हम रूट में खड़े हैं तो sudo नहीं लगेगा, apt-get। अब हम इसे कहेंगे इंस्टॉल स्पेस phpMyAdmin, जिस पे हमें डेटाबेस कनेक्शन पे डेटाबेस बनाने वाला खुलेगा वो यहाँ से। एंटर करने के बाद ये भी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल होना शुरू होगा तो आपसे कॉन्फ़िगरेशन phpMyAdmin के लिए कहेगा, तो पूछेगा कि अपाचे 2 में कॉन्फ़िगरेशन करना है या लाइट में करना है। तो आप अपाचे 2 ही के साथ ही चलेंगे तो आपको अपाचे 2 पे स्पेस बार दबाकर स्टार का साइन लगा लेना और उसके बाद टैब से ओके कर देना। तो अपाचे 2 के साथ हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो
और पार्चे 2 के स्पेस के साथ हमने स्टार साइन लगाया और टैब से ओके पर आ गए और इंस्टॉलेशन शुरू कर दिया PHP माइंड में। उसके बाद अभी कहेगा कि कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस, तो पहले से कोई डेटाबेस PHP माइंड में का नहीं है तो वो हमें बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये बता भी रहा है कि कहाँ बनेगा, ये बनेगा जी आपका यूजर शेयर DOC एंड PHP माइंड में, यहाँ वो डॉक्यूमेंट फाइल बनेगा जो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस बनेगा PHP माइंड में। और यहाँ पे आपको उसको यस कर देना, जैसे आप यस करोगे तो PHP माइंड में आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। तो यहाँ पे पासवर्ड मैं वही दे देता हूँ जो मैंने मशीन को दिया। ये कंफर्म के लिए कहेगा जो पासवर्ड हमने पहले दिया वो कंफर्म कर दीजिए। दो बार पासवर्ड देने के बाद आपकी PHP MyAdmin की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आगे चलना शुरू हो जाएगा। और ये तब तक आप देखना है जब तक आप हैश यानी कि रूट के साइन पर आकर रुक नहीं जाते। तो आप रुक चुके हो, अब यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो अभी हमने Apache भी डाल दिया, PHP MyAdmin डाल दिया और लैम्प सर्वर डाल दिया। अब बारी है इनको टेस्ट करने। तो टेस्ट करने से पहले हमें कुछ काम करने पड़ेंगे, वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले अब आपको इसे चेक करने के लिए एक डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। डायरेक्टरी में कहाँ जाना पड़ेगा जी, जहाँ पर हमारी जो Apache सर्वर है उसका होम डायरेक्टरी है। कैसे जाओगे, cd /, जो पार्टीशन होता है हमारा var में जी www में क्या होता है जी stm, इस पाथ पे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप कमांड लगाओगे ls, तो बाय डिफॉल्ट आपको एक पेज दिखाई देगा जी index.html, ये वो पेज है जो रन होगा आपको लोकल होस्ट के लिए। जब आप PC पे लोकल होस्ट लिखते हो तो ये पेज आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आपको PHP का वर्जन देखने के लिए एक फाइल बनानी पड़ेगी। PHP का जो वर्जन है उसे चेक करने के लिए यहीं पे इसी पाथ पे index.html तो बाय डिफॉल्ट बना दिया अच्छा ने, पर हमें एक फाइल कॉन्फ़िगरेशन करके रखनी पड़ेगी info.php। तो ये कैसे बनाएंगे जी, कमांड लगाएंगे नैनो, फाइल क्रिएट करने के लिए लिनक्स में कमांड होती है नैनो। फाइल का नाम देंगे जिस नाम से फाइल बनानी है, फाइल का नाम जरूर यही देना है जी info.php। ये वो नैनो कमांड से वो फाइल खुल गई, जैसे हम नोटपैड खोलते हैं उसी तरह से ये नैनो कमांड है लिनक्स के अंदर। आपकी फाइल यहाँ पे खुल गई है, यहाँ कुछ कमांड्स आपको लिखनी है, ?? देन PHP और यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपको लिखना है जी नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है इन्फो, जो फाइल का नाम है, इन्फो नहीं लिखना जी, यहाँ आपको लिखना है PHP इन्फो, क्योंकि हमें PHP की इन्फॉर्मेशन चाहिए। और दो ये ब्रैकेट लगानी है और लास्ट में ये वाले कॉमास लगा देंगे। एंटर करना है जी, लास्ट में बंद करने के लिए ?? और ग्रेटर देन का साइन। अभी इस फाइल को सेव करने के लिए आपको दबाना है जी Ctrl+S और ये यस के लिए पूछेगा, फाइल सेव कर देंगे और आप बाहर आ जाए। अब हमने सब कुछ कर लिया है जी, इसकी टेस्टिंग की बारी आती है जी। टेस्टिंग कैसे करेंगे वो आपको दिखा दें। टेस्टिंग करने के लिए आपको ब्राउजर पर जाना पड़ेगा जी, जैसे पहले हम गए थे। यहाँ पे हमने क्या लिखा था जी, लोकल होस्ट, यह Apache का साइन आया था जी। इसके बाद अभी हमने PHP का वर्जन देखना है कि इसमें कौन सा वर्जन का PHP डाला हुआ है। तो स्लैश डाल के हमने क्या लिखना है जी, info.php। एंटर करते जी PHP का वर्जन आ जाएगा जी,
जो वर्जन का PHP इसने बाय डिफॉल्ट लैम्प में डाला है। तो इस तरह से आपका PHP वर्जन आएगा जी 8.3.6, अभी तक का सबसे लेटेस्ट PHP वर्जन इसमें डाला हुआ है जी। ठीक है जी, तो अब हमने इन्फो देख लिया, लोकल ऑफ देख लिया, अभी लास्ट में मेन जो सबसे बड़ा चीज होता है वो होता है जी PHP माइंड। तो नेक्स्ट हम देखेंगे PHP माइंड, तो यहीं पे हम क्या लिख देंगे जी PHP माइंड। इन्फो तो देख लिया हमने PHP का वर्जन कौन सा है, अब मेन चीज जहाँ डेटाबेस प्रोग्रामर डालते हैं वो है जी PHP माइंड, ये एंटर किया जी। बिल्कुल सही, हम PHP माइंड के पेज पर पहुंच गए हैं, परंतु अभी ये चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर हमें एक यूजर चाहिए, जो यूजर अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया, तो पहले हमें एक यूजर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पे यूजर बनाने के लिए हमें क्या करना है जी, हमें वापसी से टर्मिनल पर आना है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं और हम टर्मिनल पर आ जाते हैं। टर्मिनल को सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं जी, क्लियर करने के बाद हमें टर्मिनल में डेटाबेस के अंदर आना है। आने के लिए जो कमांड है वो आपको बता देंगे, डेटाबेस में आने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है जी sudo स्पेस MySQL स्पेस -p पासवर्ड को दर्शाने के लिए -u एंड root। जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा root, पासवर्ड हमने root का क्या रखा था जी, जो मेरे सिस्टम का पासवर्ड। जैसे आप एंटर करोगे हम root के अंदर एंटर हो जाएंगे। एंटर होने के बाद हमें एक यूजर बनाना है PHP MyAdmin के लिए काम करने के लिए। यहाँ पर MySQL के अंदर जब हम चले जाएंगे रूट के पासवर्ड से जो हमने पहले बनाया था चलाते समय, तो यहाँ कमांड लगानी है जी बड़े अक्षरों में क्रिएट स्पेस, बड़े अक्षरों में यूजर स्पेस उस यूजर का नाम जो आप बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनेगा जी, मान लीजिए मैंने रूट के लिए यूजर बनाना है, पहले हमें कॉमा लगाएंगे टॉप पे, यूजर का नाम रख दीजिए जो मैंने रखना है एडमिन कॉमा लगाएंगे जी। उसके बाद हम लिखेंगे जी एट द रेट के बाद हम कॉमा लगाएंगे जी, फिर हम लिखेंगे जी परसेंटेज, फिर अगेन कॉमा, फिर स्पेस देके हम लिखेंगे जी आइडेंटिफाई, मीन्स हम इस यूजर का पासवर्ड भी डिफाइन कर रहे हैं आइडेंटिफाई। ठीक है जी, स्पेस लिखेंगे जी बाय, सो बड़े में ये जैसे कमांड है सेम आपको लिखनी है जी। यहाँ पर हम लिखेंगे जी कॉमा, जो हम एडमिन का पासवर्ड देना चाहते हैं, मैं एडमिन का पासवर्ड एडमिन ही देना चाहता हूँ, और लास्ट में हम इसे ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो ये हमारा यूजर क्रिएट हो गया जी एडमिन, जिसका पासवर्ड भी क्या है जी एडमिन। इस तरह से हम डेटाबेस के अंदर एक यूजर क्रिएट कर लेंगे जी MySQL के अंदर आके, पर अभी भी ये चलेगा नहीं जी क्योंकि हमें इसके राइट्स नहीं अभी डिफाइन किए, तो हमें इसके राइट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। राइट डिफाइन होने के बाद ही इसको परमिशन मिलेगी जी, ताकि हम PHP MyAdmin में इसे लॉगिन कर सकें। जब तक हमने राइट डिफाइन नहीं किए तो हमें परमिशन नहीं मिलेगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जिसका राइट प्रिविलेज राइट जिन्हें बोलते हैं वो पावर इसको देनी पड़ेगी। तो उसके लिए कमांड क्या है जी, GRANT ग्रांट ऑल प्रिविलेज PRIVILEGES privileges स्पेस कैपिटल में ऑन, ने ऑन कर दिया उसे, साथ में लिखना मैंने
star.stop, फिर देना जी स्पेस, फिर लिखना है टू स्पेस कॉमा एडमिन कॉमा एट द रेट कॉमा परसेंटेज कॉमा स्पेस विद ग्रांट ऑप्शन, फिर हमने कॉमास को बंद कर दिया और हमने एंटर कर दिया, तो ये हमारी क्वेरीज लग गई ओके बिल्कुल किसी इशू के बिना। अब हम इसे चेक कर सकते हैं क्या हमारा एडमिन यूजर चलने के लिए तैयार है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, एक्सिट। अब हम ब्राउजर में जाके चेक कर लेते हैं जी क्या ये चलते हैं। ये हमारी पीएचपी माय एडमिन की स्क्रीन थी, यहाँ मैं यूजर नेम दूंगा एडमिन एंड पासवर्ड एडमिन, ये मेरी स्क्रीन आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ बना हुआ है जी, डेटाबेस बनाना है प्रोग्रामर को यहाँ से बना लें डेवलपर प्रोग्रामर और अपने सोर्स कोड रखते हैं और वहाँ से कर लें, और यहाँ से चाहें तो अपने यूजर का पासवर्ड भी वो चेंज कर सकता है जी। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने पूरा का पूरा लिनक्स सर्वर आपको बना कर दिखा दिया, होम में आकर यहाँ से पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं यूजर। तो ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सेस टेक्निकल चैनल आपको ये वीडियो मिल जाएगा जी, आप इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए टेक्निकल लोगों को, ताकि जिसको भी लिनक्स सर्वर बनाना है सेंटोस का ऑलरेडी चैनल पे पड़ा है, अभी हम इस बार अबंटू का आपको बनाकर दिखा दिए और अबंटू में भी हमने पूरा प्रोजेक्ट आपको बना कर दिखा दिया जी। तो ये वीडियोस कैसी लगी, इसके लगभग कमांड्स आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे जी। बाकी पूरी वीडियो हमने हिंदी में स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बोल कर करके दिखाई है जी, तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत आती है तो इस वीडियो पे कमेंट्स ऑन है, आप कमेंट्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं जी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो डालते हैं वो वीडियो आप तक मैक्सिमम आए, और अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। थैंक यू।